गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिसाइड करा था कि एफ ए जे के भी क्वेश्चंस यहां कराए जाएं। ओके, तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूं। एक्चुअली मैं पहले ये बता दूं कि हम लोग को इंग्लिश का बी सी का जो इंग्लिश पेपर है उसके लिए बुक को रीड करना या उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। क्योंकि अगर हम लोग का बेस मजबूत होगा, जस्ट लाइक लेटर, पैराग्राफ, कंपोजिशन, दस लाइक अच्छे होंगे, तो हम लोग अपने भी बैचलर्स डिग्रीज के जितने भी इंग्लिश के पेपर्स होते हैं वो कंप्लीट अच्छे से कर पाएंगे। सच लाइक देखो, मैंने यहाँ लिया है जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि इसका मार्क्स है 50। ओके, 50 मार्क्स से ये हमारा मतलब है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम्स का डिवीज़न में रैंक अपर करना है तो उसके छोटे छोटे मार्क्स वाले पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग इस पेपर जैसे बी सी ए के दो मोस्ट पेपर हैं, अगर मेन पेपर कहा जाए तो मेन पेपर तो बी सी एस है 11 और बी सी एस एल 13। ये दो पेपर मस्ट है, मैथ, इको और ये एफ ई जी। ये ऐसे मानो तो सब्सिडी की तरह ही होती है, उसके उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इससे पढ़ना चाहिए, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम लोग 50 मार्क्स अच्छे से कवर कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंपोजिशन इन अबाउट 350 वर्ड्स एनी वन आर फॉलोइंग। इसमें चार दिए हैं, इम्पॉर्टेंस, ट्रैफिक रूल्स, फोटोग्राफ्स, टीवी एज अ मीडियम एजुकेशन, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दो तीन बार आ चुका है। एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें ये करना है कि 350 वर्ड्स के कोई किसी एक पर कंपोजिशन लिख देना है जो आराम से 20 नंबर कैरी हो सकते हैं। अरे यार, 20 नहीं मिलेगा, 17 मिलेगा, 18 मिलेगा ना, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे ये कवर कर लोगे तो। क्योंकि इसका पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स है ना, 18 या 17 होगा। मतलब इस एक क्वेश्चन को कैरी करके तुम आराम से पास हो सकते हो। देन सेकेंड नंबर भी सेम एज इट इज, जैसे करना है राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 2200 वर्ड्स एनी वन आर द फ्लोइंग। इस पे भी इन चारों में से किसी एक पर लिखना है जिसमें 200 वर्ड यूज होंगे। ओके, मैं खुद इसको मैंने खुद कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली मेरा ये कंप्लीट हो चुका है 1 मंथ पहले ही, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि मैंने इसका डी नंबर नॉइज पोल्यूशन को कवर किया है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट व्यू ऑफ एग्ज़ाम। एंड सेकेंड है, सेकेंड में मैंने रियल फ्रेंड्स एंड वर्चुअल फ्रेंड पर बनाया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड देन है इस पर थर्ड नंबर है लेटर टू म्यूनिसिपल काउंसिलर। इसमें आपको बताना है कि रोड को पॉइंट करते हुए कि रोड ख़राब हो रही है, इसमें बहुत सारे छेदे हैं, मतलब गड्ढे आ गए हैं, गड्ढा होता है, एंड इसको रिपेयर की ज़रूरत है और इसी मंथ ज़रूरत है। तो इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को आउटलाइन करते हुए रिजल्ट लेटर्स लिखने। ओके, एंड इन दोनों में से आप लोग को एक ही करना है, कोई एक आपको करनी है। मैंने ये ए नंबर करा था, राइट द म्यूनिसिपल वाला। फोर्थ नंबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई होप एंड आई थिंक आप लोग 12th में किसी भी स्ट्रीम से हो या आर्ट्स से हो, कॉमर्स, साइंस, ये तीनों स्ट्रीम में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट होते हैं। देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही करना होता है कि इसमें इस स्टोरी को रीड करनी होती है, थोड़ी लंबी होती है। इसको रीड करने के बाद आपको इसका टाइटल देना होता है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, इसे क्या देना चाहिए। ओके, एंड देन
इसके बारे में कुछ नोट्स कैरी करना है। व्हाट इज नोन इट मीन्स दैट, इसमें से थोड़े कुछ पॉइंट्स उठा लिए, जैसे मैंने ये उठा लिया म्यूजिक इन आर्ट फॉर कल्चर एक्टिविटीज ओवर मीडियम ऑर्गेनाइजिंग इंटरटाइन। ओके, इसको मैंने ले लिया, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिखी एंड ये भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखा। इसमें से 5 पॉइंट्स एंड एंशियंट ग्रीक, ये दो हम बता दें आप लोग को कि ये इसमें 2 पार्ट होते हैं जिनके जिनको अलग अलग आपको क्रिएचर करके करना होता है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों को बता दिया एंड सेकेंड इज एंशियंट वाला था, ये ग्रीक एंशियंट वाला, तो इसको आपको कैरी करना। ठीक है, तो आपको मात्र इसमें से फाइव पॉइंट्स को लिख लेने हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका सुटेबल वर्ड्स कैरी करना है। ओके, कि व्हाट इज सुटेबल टाइटल्स, देन एंड देन आपको ये फाइव नोट्स लिखने हैं। ओके, अगर आप लोग को इस चीज़ क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये करा है बहुत दिन पहले ही, तो मैं इसका कर सकती हूँ, मैं आप लोगों को भेज दूंगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ये कवर अप इसलिए करवाया है एंड करवा रही हूँ, आज मैं खुद आज करवाऊँगी इस फोर्थ टॉपिक। इस फोर्थ टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये कर लेते हो, अगर इसमें इतनी आसानी, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि ये कवर करना बहुत इजी है, 50 मार्क्स आप आज आराम से ये तो कर ही लोगे। अगर नहीं रो गा के तक 10 मार्क्स ले ही लोगे यार, इतने तो कर ही सकते हो। अगर बुद्धू से बुद्धू लड़का होगा लड़की होगी तो वो तो 10 मार्क्स इसमें से ले ही लेंगे। इसमें भी 10 है, इसमें 5-6 तो ले ही आएंगे, ये इसमें भी ये 5-6 ले आएंगे। एटलीस्ट पास तो हो जाओगे, 30 मार्क्स 40 मार्क्स तो आ सकते हैं ना। 40-30 आना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है वो भी इंग्लिश के पेपर में। ओके, अगर आप लोग को इस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इस सोल्यूशन को अच्छे से प्रोवाइड करा दूँगी। एंड देन आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ मैं इस चीज़ का अच्छे से सोल्यूशन कर सकती हूँ। एंड देन थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियोज एंड प्लीज़ लाइक, hit the subscribe button and the like bell icon, and if you have any doubts please comment below. Thank you.